Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश के शामली में 12वीं की छात्रा की हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कश्यप समाज के लोग प्रशासन से मृतका के परिवार को लाखों रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान रविवार को विधायक विजय कश्यप मृतका के परिजनों से मिलने के लिए कांधला पहुंचे, जहां विधायक ने मृतका के पिता को हत्या के मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है और परिवार में बहुत ही भय का वातावरण है। मैं चूंकि लखनऊ विधानसभा का सत्र चल रहा वहाँ पर था, आज उधर से आते हुए मैं इधर आया हूँ सीधा, और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। परिवार भी अत्यंत गरीब है, बड़ी दयनीय स्थिति है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से कहा भी है आर्थिक सहायता भी कुछ इनकी करें, और दोषी किसी भी हालत में किसी भी सूरत में वो बचना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 12 दिन पहले शामली के कांधला में 12वीं की छात्रा सोनी कश्यप की कॉलेज से लौटते समय गांव के ही एक युवक ने निर्मम हत्या कर दी थी। शामली से एक्सपोज इंडिया के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।